हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 8th वीडियो ऑन लर्न एक्सेल। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वो चीज़ सीखी थी, तो आज की वीडियो में कुछ बेसिक से टूल सीखेंगे। तो आज तक की वीडियो में हमने ये जो टूल्स है वो सीख लिए थे कि क्लिप बोर्ड क्या है, फॉन्ट किस तरह से चेंज करते हैं, अलाइनमेंट कैसे रखते हैं, नंबर में क्या फॉर्मेटिंग है, और उसके अलावा सेल्स में कैसे इंसर्ट कराना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे फॉर्मेट करना है, फिर ऑटो सम क्या है, फिल और क्लियर क्या है, शॉर्टिंग और फिर पॉइंट और रिप्लेस भी सीखा था, उसके अलावा फिर स्टाइल और ये फॉर्मेटिंग सीखी। तो अब बेसिक स्टार्ट करेंगे सीखना कि एक्सेल को किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड, उसके लिए मैं दो वैल्यूज ले लेता हूँ, एक ए और ये एक ऑपरेटर ले लेता हूँ। ऑपरेटर का मतलब हो गया कि इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, जैसे कुछ दो वैल्यू ऐड करनी है, दो वैल्यू सब एक एक से दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, उसके अलावा मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है। तो ऑपरेटर हो गया सिंबल और बी जो दूसरी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो भी होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ए वैल्यू मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 12 ले लेता हूँ और बी वैल्यू 10 ले लेता हूँ। इसी को मैं ड्रैग कर देता हूँ 4 टाइम्स, इसी को ड्रैग कर देता हूँ। तो पहला जो है वो एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा और फिर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे रिजल्ट है तो दो वैल्यू जैसे है तो दो सेल को कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए आपको पहले जैसे कोई भी जिस सेल में आपका दोनों का समेशन चाहिए वहाँ पे आप इक्वल डालिए, उसके बाद आप एरो की से भी मूव कर सकते हो कि कौन सी सेल को ऐड करना है, पहले कौन सी सेल रखनी है, फिर उसमें आपको प्लस डालना है, तो शिफ्ट के साथ प्लस की आप प्रेस करके उसके बाद जो नेक्स्ट है आप या माउस से भी मूव कर सकते हो कि कौन सी सेल ऐड करनी है, तो ये करनी है, तो उसके बाद एंटर कर दोगे तो आप देख रहे हो कि दोनों का रिजल्ट जो है वो 22 आ गया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट में जैसे आपको दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू तो ये 2 आ गया, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू तो 120 और दिस वैल्यू डिवाइड बाई दिस वैल्यू तो 1.2। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे ये तो अगर सेल नहीं है, सेल के अलावा आपको सेल के अंदर ही कुछ मल्टीप्लिकेशन या कुछ कुछ भी आपको फॉर्मूला परफॉर्म करना है तो वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 12 + 10 रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, 12 - 10 ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 12 × 10 आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और 12 / 10 आप इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हो। उसके अलावा दूसरे फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ये तो ऑपरेटर आपने ऐसे हेल्प के लिए रखा है, इसके अलावा आप इसको अगर प्रिंट के टाइम अगर आपको हाइड करना है, वैसे भी अगर आपने कुछ ज़्यादा ऐसे हिंट के लिए बीच में वैसे कॉलम्स जो है वो वैसे रख रखे हैं लेकिन आपको हाइड करना है तो उसको आप यहाँ से यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन जाना है, इसमें हाइड पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे कि ये जो बीच का डी कॉलम था ये हाइड हो गया है। तो ऐसे भी आपके अगर कैलकुलेशन या टेबल में कुछ ऐसा पार्ट है जो आप अपने सिर्फ हिंट के लिए रखा है या फिर कैलकुलेशन अगर ये जो टेबल है वो लंबी हो रही है तो आपको अगर उसको इजी वर्क करने के लिए आपको कुछ ऐसे जो रोज है बीच को कॉलम वो अगर हाइड करने हैं तो आप इस तरह से हाइड कर सकते हो। अगर आपको रो भी हाइड करनी है तो आप इस तरह से इसको भी हाइड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको वापस अनहाइड करना है तो इन दोनों को सेलेक्ट करो, इसके बीच का जो भी कॉलम होगा वो अनहाइड हो जाएगा और यहाँ पे जाके भी आप इसको अनहाइड कर सकते हो। उसके अलावा जैसे इसको आपने हाइड कर दिया तो यहाँ जाओगे तो अनहाइड नहीं होगा, आप इस तरह से अनहाइड नहीं कर सकते इसको, उसके लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी सेल किसके बीच है, सिर्फ वही अनहाइड होगी। उसके अलावा जैसे आपने इसको हाइड कर दिया है तब यहाँ पे क्लिक करके अनहाइड करते हो तो इसको अगर पूरा सेलेक्ट करके आप अनहाइड करोगे तो इसके अंदर जितनी भी कॉलम्स हाइड कर रखे होंगे सब अनहाइड हो जाएंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको मैं इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला बताता हूँ। इंटरेस्टिंग तो क्या, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने वैसे देखा होगा, आई इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, पी इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी इज़ टाइम।
तो जैसे प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और स्टार्टिंग जो डेट है वो 1/1/2018 है, लेकिन एंडिंग डेट है ना जो फ्रेंड्स, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंडिंग डेट में मैंने जो ये डेट है ना, ये डेट मैंने नहीं डाल रखी है। वैसे मैंने ये जो लास्ट वीडियो आया था ना उस टाइम मैंने डेट डाली थी, लेकिन ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है। तो ये किस तरह से होती है? उसके बाद जैसे आप टाइम है तो टाइम दोनों के जो डिफरेंस है आप देख रहे हो, दिस माइनस दिस, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज आ गया 118। तो इसको मैंने ईयर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाई 365, और उसके बाद इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला वो लगा दिया कि यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो देखोगे कि दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई ईयर और डिवाइड बाई 100। तो देख रहे हो इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो ये इंटरेस्ट आ गया, और टोटल अमाउंट में मैंने प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला है आज की डेट जैसे आ रही है ना 29, तो ये डेट किस तरह से आ रही है? तो फ्रेंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, इसमें ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा। अगर आपको कुछ ऐसे कैलकुलेशन जो टाइम बेस्ड है और आप चाहते हो कि अप टू डेट रहे, मतलब जिस डेट को आपको ओपन कर रहे हो एक्सेल उसी डेट तक उसकी कैलकुलेशन होकर रहे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला एक, आप जैसे इक्वल प्रेस करके आप टू डे लिख के उसके बाद ब्रैकेट ओपन और फिर ब्रैकेट क्लोज, तो उसको आप इंटर करोगे तो देखोगे कि उसी दिन की डेट आ जाएगी यहाँ पे। तो ये अपडेट होती रहेगी, आप जिस दिन भी आप एक्सेल ओपन करोगे उस दिन टुडे की जो डेट होगी वो ऑटोमेटिक डेट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पे आप कोई भी जैसे डेट है, जैसे मैं इस डेट को माइनस में 10 डेज कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हो कि 19 जो आ गई वो डेट आ गई। उसके बाद अगर आप जैसे कैलकुलेट करोगे कि दोनों डेट के बीच में कितने डेज हैं, तो आप इस तरह से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप उसको नंबर ऑफ डेज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स जो ये फॉर्मेट है उसमें टेबल फॉर्मेट भी कर सकते हो, आपकी किस तरह का फॉर्मेट रखना है। तो आप अगर इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे कि ये मेरी टेबल है, देख रहे हो फ्रेंड्स, इसको आप अलग अलग टाइप की फॉर्मेट्स दे सकते हो, आप इसको जैसा आप पसंद आए उस तरह की फॉर्मेटिंग रख सकते हो। इसके अलावा ये जो यहाँ पे एरो है इस पर क्लिक करोगे तो नीचे और भी टाइप के फॉर्मेट्स यहाँ आएंगे, तो इस तरह से आप जो भी जैसा भी अच्छा लगे उस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके बाद आप टेबल के बाद इसको आप यहाँ पे सॉर्टिंग भी कर सकते हो कि ये तो बहुत कम डाटा है, अगर ज़्यादा डाटा है तो आप उसमें सेलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे इसमें तो 10, 12 दो ही ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, तो इसको ए को सेलेक्ट करना है तो ए सेलेक्ट होगा, ए यहाँ से चला गया, आपने ए क्लिक कर दिया। अगर 12 को क्लिक करते हो सिर्फ ए रखते हो, तो आप देखोगे कि सिर्फ जिस पे आप टिक करके रखोगे वही डाटा एक्सेल यहाँ टेबल के अंदर रहेगा। तो इस तरह से आप ये डाटा का यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, किसी भी क्लिक करके आप इस तरह से फिल्टर कर सकते हो। उसके अलावा ये कुछ एक्सेल के जो है फॉर्मेटिंग है, ये पहले से टूल्स एक्स्ट्रा दे रखा है, इसमें ऑलरेडी सब फॉर्मेट कर रखा है। आपको अगर किसी सेल को फॉर्मेट करना है तो ये पहले से फॉर्मेट किए हुए हैं कुछ टूल्स है इसमें, आपको जैसे इस तरह से चेक करके रखना है या इस तरह से रखना है या इस तरह से रखना है। ये इसको आप फॉर्मेट वैसे भी कर सकते हो, आप अलग अलग टूल्स यूज़ करके इसको फॉर्मेट कर सकते हो। ये या रेडी टू यूज़ कुछ एक्सेल ने प्रोवाइड किए ताकि आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, कि जैसे गुड है या बेड है, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ नई ट्रिक सीखी, बेसिक जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और अपने डिवीजन सीखा। उसके अलावा अपन टुडे का जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सीखा, और जो सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहेगा पर डे ये सीखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और आप अगर चैनल इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।